हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जो फीफा रिसेंटली बैन किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तो फीफा ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, क्या हम लोगों का गलती था, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, और ये जो रीजनल हमारा जो फुटबॉल क्लब्स है और स्टेट का क्या क्या रोल है, और हमारा जो रिसेंट वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको पता होगा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल होने वाला है इंडिया में, तो उसका फ्यूचर क्या है, तो हम ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितना भी मैंने देखा है आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ा है, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा जो आर्टिकल मिला है वो है ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक जो आर्टिकल है ना, यहाँ से पूरा आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैं आपको एक दो पार्ट आपको बोल देता हूँ। देखिए, फीफा ने ऐसा काम क्यों किया है। देखिए, फर्स्ट क्या हुआ है कि वो पंजाब से एक स्टेट का कुछ फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो उन्होंने क्या किया है, आई थिंक उनका नाम मंजोत ऐसा कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये आर्टिकल में मैं देख रहा था, यहाँ पे उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो हमारा जो करंट AIF का जो मतलब चेयरमैन बोल लीजिए या प्रेसिडेंट है ना, उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये देखिए, इनका नाम है मिनर्व, आई थिंक ये कुछ क्लब का नाम है मिनर्व पंजाब, और उनका आई थिंक हेड है ये रंजीत बजाज। इन्होंने क्या किया, प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब देखिए, प्रफुल्ल पटेल कौन है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल को आप जब यहाँ पे देखेंगे ना, ये NCP का लीडर है। आपको पता होगा NCP है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये महाराष्ट्र से बिलोंग्स करता है, और जो NCP का जो हेड है वो है शरद पवार, तो ये इन पार्टी का मेंबर है। और ये क्या किया है ये, और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, ये जो है ना इनका नाम है रंजीत बजाज, तो रंजीत बजाज ने प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट में क्यों चला गया, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखिए, प्रफुल्ल पटेल AIF का जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी बोल रही है, वो ऑलमोस्ट 12 साल 3 साल से मतलब उनका जो 4 साल का शायद टेन्योर होता है, तो ऑलरेडी वो 3 बार टेन्योर ले चुका है, और उनका जो कार्यकाल है ना वो दिसंबर 2020 तक मतलब खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रेसिडेंट पद है ना वो नहीं छोड़ा था जिसके, और क्या है कि तो नया इलेक्शन भी नहीं करवा रहा था, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो रंजीत बजाज है ना ये डायरेक्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ना वो ऑलमोस्ट सही किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एक कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये इन्होंने अपॉइंट कर दिया। ये क्या करेगा, देखिए जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड को आप जब रिमूव कर रहे हैं ना, तो आपको एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चला मतलब देना चाहिए। क्यों देता है, क्योंकि देखिए डे टू डे जो काम होता है ना उसके लिए आपको ये दिया जाता है, और इसके लिए आपको पता होगा ये आई थिंक एक एक दो प्लेयर है जो आए थे जो फॉर्मर फुटबॉल खेलता था उनमें से है, और एक है जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस जज था ना, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो अभी ये सब चीजों हो रहा था, अब इस टाइम पे क्या हुआ, तो फीफा और ये जो हमारा जो एशियन कप आता है ना, एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये दोनों ने जब इंडिया से पूछा कि आपका जो सिस्टम है, आप ये बोलिए कि आपका इलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, तो ये इलेक्शन हो क्यों नहीं रहा था, तो बार बार वो सब बोल रहा था कि कोविड के बारे में, तो ये फीफा ने ये बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, कोविड बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा कि आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये जब ये जो रंजीत बजाज जब इन्होंने चला गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि डायरेक्ट कुछ बोल मतलब प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया था, तो जिसके कारण ने प्रफुल्ल पटेल ने उसके बाद क्या किया फीफा, आई थिंक देखिए ये तो प्रफुल्ल पटेल ने क्लियर नहीं किया कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन जितना मुझे पता है और जितना सोशल मीडिया में अभी चल रहा है,
आई थिंक न्यूज इंडिया ऐसा बोलकर कुछ एक न्यूज चैनल है, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का ना एक वॉइस रिकॉर्डिंग रिलीज किया है, जहां से ये क्लियर पता चल रहा है कि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को निकाल दिया था तो प्रफुल्ल पटेल ने डायरेक्ट जाके फीफा को चिट्ठी लिख दी, और फीफा ने क्या किया है तो AIF मतलब जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उनको बाहर कर दिया है फीफा के मेंबरशिप से। अब फीफा का मेंबरशिप से बाहर कर देने से होता क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा क्या कि आप मतलब जितना भी इंटरनेशनल इवेंट्स, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इवन यू कैनॉट ऑर्गेनाइज दैट थिंग। ठीक है, अब थोड़ा बहुत प्रफुल्ल पटेल के बारे में देख लेते हैं कि प्रफुल्ल पटेल है कौन। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, प्रफुल्ल पटेल ये NCP का मतलब मेंबर है। ठीक है, और ये देखिए मैं एक चीज देख रहा था कि प्रफुल्ल पटेल का जो एविडेविट था ना, ये राज्यसभा से उन्होंने एनरोल्ड होता है इनका, देखिए प्रफुल्ल पटेल का रफली 65 से ऊपर एज होगा, ये तो थोड़ा बहुत पुराना है, और उनका वेल्थ देखिए ऑलमोस्ट 250 करोड़। अब देखिए इतना पैसा तो हो चुका है, मतलब इनका एज भी हो चुका है, इन्होंने पैसा भी कमा लिया, लेकिन मतलब तो फिर ये जो जितना हमारा जो स्पोर्ट्स है ना, इसको ये लोग बार बार क्यों डिस्टर्ब करता है ये हमें पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा ये हॉकी में भी ये लोग सेम नौटंकी करके रखा है। ठीक है, ये तो मैं बोल जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इवन ये जो सेम केस है ना कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हॉकी के सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने बैठा के रखा है। क्यों बैठा के रखा है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का इतना इंटरफेयर होता है ना कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स में, तो उसके वजह से ये सिचुएशन हो चुका है। आपको पता होगा ये कुछ दिन पहले इवन BCCI में, आपको अभी भी पता है कि BCCI में वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, लेकिन BCCI में क्या होता है कि जो ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें क्या होता है मतलब इंडिया सबसे ज्यादा पैसा भेजता है, तो अल्टीमेटली जो इंडिया ना और BCCI को कंट्रोल करता है, ICC को भी कंट्रोल करता है, लेकिन फीफा में नहीं होता है, क्योंकि फीफा में इंडिया को बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो आपका अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका जो कंट्री है, ब्राजील, अर्जेंटीना, वो लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जिसके कारण ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंडिविजुअल पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी का जो लड़ाई है ना, जिसके वजह से ये जो फीफा अभी सफर कर रहा है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि देखिए अल्टीमेटली गोल क्या है। एक चीज आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि देखिए जो फीफा अंडर 17 जो फुटबॉल है ना, ये एक्चुअली अभी तो देखिए बैन हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए इंडिया ने ये जितना भी ऑब्जर्वेशन है फीफा का या एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, जितना ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को सही से ये लोग कर लेगा, तो फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे इंडिया में ही हो जाएगा, मतलब जो अंडर 17 में का जो फुटबॉल कप होने वाला है ये हो जाएगा। अब ये तो मैं आपको बोल दिया कि पूरा स्टोरी क्या है, मतलब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिर्फ फुटबॉल में नहीं, हॉकी में भी है, क्रिकेट में भी है, हर स्पोर्ट्स में है, और इसके वजह से क्या होता है हमारा जो स्पोर्ट्स जो खेलता है ना उनका मोरलिटी थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इशू होता है कि आपका कॉम्पिटेंसी के ऊपर आपको चांस नहीं मिलता है, आपको मान लीजिए किसी के ऊपर ऑलवेज डिपेंड होना पड़ेगा आपको मतलब एक जगह पहुँचने के लिए, मतलब योर परफॉर्मेंस इज नॉट एन अल्टीमेट थिंग, ऐसा हो गया है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हम आप देख लीजिए हॉकी में तो ठीक है सही है, लेकिन फुटबॉल में देख लीजिए हम लोग बहुत ही नीचे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब एक्चुअली पॉलिटिकल एंगल क्या है। देखिए अल्टीमेटली चीज है ये शरद पवार वर्सेस नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आपको पता होगा ये महाराष्ट्र में रिसेंटली आपका जो एकनाथ शिंदे ने शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गया है पहले उद्धव ठाकरे को हटा के। उद्धव ठाकरे कहाँ है, वो शिवसेना से था। आपको पता होगा शिवसेना और NCP मिलकर वो गवर्नमेंट चला रहा था, लेकिन वहां पे क्या हो गया कि ये काम देखिए BJP ने किया ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि BJP ने नहीं किया है। BJP ने क्या किया है कि वो उद्धव ठाकरे को जो गवर्नमेंट था ना उसको हटा दिया, उसको हटा के शिवसेना को दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांटने के बाद क्या किया, जो
जो आपका प्रो हिंदू पीपल है या आप बोल देंगे जो जो लोग ऐसा सोचता है, उनमें से एक था एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को डायरेक्ट कर दिया चीफ मिनिस्टर, और ये देवेंद्र फर्नांडिस अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। तो अब इनका तो देखिए गवर्नमेंट तो गिर गया है महाराष्ट्र में, और उसके बाद पता है आपको ये जो महाराष्ट्र में ना ड्रग का एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद देखिएगा जो बहुत सारा करप्शन केस आ गया है एनसीपी के जितना मेंबर है, स्पेशली आप देख लीजिए ये जो संजय राउत था ना शिवसेना, उसके अगेंस्ट में भी आया है। ठीक है, इवन आपको पता होगा जो मुंबई के जो कमिश्नर था पहले वाला, और उसके वो तो मतलब पता नहीं एब्सकॉन्डिंग हो चुका है। ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट पे बहुत सारा केस फाइल भी हो चुका है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से ना ये शरद पवार ने पीएम मोदी को कुछ सिखाने के लिए डायरेक्ट ये कर दिया है, और इसके वजह से देखिए ऐसा कुछ तो जनरली होगा नहीं। आई थिंक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हो जाना चाहिए, जितना मुझे लगता है कि आपका आई थिंक अक्टूबर में है ये मतलब ये जो फुटबॉल गेम, लेकिन उससे पहले ही हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली देखिए जो इंडिया का जो नाम खराब है इंटरनेशनली, ये इन लोगों ने कर दिया, और ये किसके वजह से किया है, ये सिर्फ अपना जो पॉलिटिकल करियर है ये सब बचाने के लिए, मतलब दूसरे को बलि चढ़ा दो, यही बहुत दिनों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी चलेगा। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।